रात में इसे आपको सिर्फ 5 मिनट लगाना है और उसके बाद से हल्का गुनगुना पानी से क्लीन करेंगी, बहुत अच्छा है आपके फेस पे काम करे। अगर आपके फेस पे काफी ज्यादा बाल है, कान के साइड में है, अपर लिप्स पे है, या तो बहुत ज्यादा यहाँ ठुड्डी पे बाल है, हाथ पैर पे हेयर्स की प्रॉब्लम है और इसको आप नेचुरल तरीके से साफ करना चाहती हैं, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आप नहीं कराना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक की हैं। अगर आप अपने फेस के लिए कोई ऐसी होम रेमेडी की तलाश में हैं जो फेशियल हेयर को हटाने के साथ साथ उसके ग्रोथ को भी खत्म कर दे, तो बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। इस वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत महंगा होम रेमेडी है और इसे बनाकर लगाते ही आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट में रिजल्ट मिलेगा आपके फेस पे। चाहे बालों की ग्रोथ कैसी भी हो, चाहे आप अपने फेस पे कई बार थ्रेडिंग करा चुकी हो, रेजर भी कर चुकी हो, अपने फेस पे आप वैक्स भी कर चुकी हो, उस पे भी ये काम करने वाला है। मोटे से मोटे बालों को ये खींच के निकालेगा सिर्फ 3 से 4 मिनट में। इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, पास से मैं दिखा दे रही हूँ। लगाते ही आप जस्ट यही बोलेंगी, वाओ, सच में आपने बहुत अच्छी होम रेमेडी आज शेयर किया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्किन का खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप कोई अच्छी सी रेमेडी शेयर करिए। वैसे तो आप लोग के डिमांड पे ही मैं वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग के कमेंट को देखते हुए होम रेमेडी शेयर करती हूँ, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है उनके लिए जिनके फेस पे नेचुरल चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई भी फेस पैक बनाकर लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक भी बाल नहीं निकलता है, तो आज का वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अलग जानकारी देने वाली हूँ, कुछ न्यू टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ और एयर रेमेडी पूरी तरह से अलग है। इसके बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इस तरह का रेमेडी अभी तक आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो इसे बनाना किस तरीके से है, फेस पे लगाने का तरीका क्या है, लगाते समय किन किन गलती को आपको नहीं करना है, वीक में कितनी बार लगाना है, कितने एज के लोग इसे लगा सकते हैं, ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो परेशान मत होइए। आगे आपको पूरी जानकारी दूंगी, सारे सवालों के जवाब आप लोग को देने वाली हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा। इस रेमेडी को बताने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पे देखने को मिलेगा, तो हम ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कौन सी चीज है, किस तरीके से बनाना है, इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कितना बोलती हो, कितना लंबा वीडियो कर देती हो, तो देखिए अगर आपको डीपली जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो लंबा आपको देखना पड़ेगा। शॉर्टकट में आपको देखना है तो फिर शॉर्ट वीडियो आप लोग देख सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बारे में हम जान लेते हैं, आगे आप लोग से बातें मैं करने वाली हूँ, बहुत सारे टिप्स भी दूंगी आप सभी को जिसका प्रयोग करके आप अपने इस फेशियल हेयर को परमानेंटली खत्म कर सकती हैं। ये छोटी सी चीज आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है अगर सही तरीके से आप इसे फॉलो कर लेती हैं तो। ये कौन सी चीज़ है, कैसे बनाना है, फेस पे लगाने का तरीका क्या है, सभी जानकारी आप लोग को देने वाली हूँ। सबसे पहले हम लिए हैं यहाँ पे लौंग, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि लौंग किस तरीके से बालों को क्लीन करेगा, तो देखिए इसके फायदे भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। लौंग में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे फेस पे स्किन प्रॉब्लम जो होता है ना, जैसे ब्राउन स्पॉट हुआ, काले दाग हुए, पुराना पिगमेंटेशन हुआ, ओपन पोर्स की समस्या हुआ, फेस पे बार बार पिंपल्स जो निकलता है, ये सारे स्किन प्रॉब्लम पे लौंग काम करता है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसका है अनवांटेड हेयर्स पे, बालों को परमानेंटली साफ कर देता है। बहुत सारे लोगों के अब यहाँ पे कमेंट आएगा कि लौंग तो हम अपने बालों में लगाते हैं बालों के ग्रोथ के लिए, तो जी हाँ आप लगाती होंगी, लेकिन अगर इस तरीके से लौंग अपने फेस पे आप लगाती हैं बालों के जड़ों को ये कमजोर करेगा, बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा एक चुटकी होगा, यहाँ पे हम लिए हैं लौंग का पाउडर, ठीक है जी। थोड़ा सा लौंग लेकर उसका पाउडर बना लीजिएगा और थोड़ा सा वो दरदरा लग रहा है तो उसे छान लीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वो दरदरा रहेगा ना तो फिर फेस पे लगाते समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पे चुटकी भर लौंग का पाउडर लिए हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एक चम्मच भर के ले रहे हैं शहद।
शहद के फायदे तो आप सभी को पता ही होगा, बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे बहुत सारा वीडियो में इसके फायदे मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, तो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा कि शहद हमारे स्किन के लिए क्या है, हमारे फेस पे क्या काम करता है। एक चम्मच हम यहाँ पे शहद लिए हैं। शहद लेने के बाद इन दोनों को हमें स्पून से अच्छे से मिक्स करना है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको इसमें लेना ही लेना है, 5 से 6 बूंद नींबू का रस। अगर आपके स्किन को नींबू का रस ना सूट करता हो तो उस केस में आप 2 से 3 बूंद टमाटर का रस भी ले सकती हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है और नींबू में सीट्रिक एसिड होता है, इसलिए आपको इसमें नींबू का रस लेना ही लेना है, जो कि हमारे बालों को हटाने में मदद करेगा। अगर आप इस तरह का घरेलू रेमेडी अपने फेस पे रेगुलर बेस पे कर लेती हैं, अपने स्किन केयर में शामिल कर लेती हैं और आपको नेचुरल चीज़ों पे थोड़ा सा विश्वास है, तो फिर मैं इतना आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको फेशियल हेयर को क्लीन करने के लिए अलग से कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल है। थोड़ा स्लो काम करता है लेकिन इसका जो काम है परमानेंटली है, हमेशा के लिए बालों को ख़त्म कर देगा। इसमें हम चुटकी भर क्या ले रहे हैं, छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम चुटकी भर ले रहे हैं बहुत थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर यानी कि एलम। आप कोई भी फेस पैक अपने स्किन के लिए बना रही हैं या तो कोई भी सॉल्यूशन तैयार कर रही हैं बालों को हटाने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा फिटकरी ज़रूर डाला करिए। फिटकरी बहुत अच्छा रोल निभाता है बाल को हटाने में, बहुत अच्छा इसका काम भी है। फिटकरी को डाल देंगी ना तो एक तो बालों को साफ भी करेगा, दूसरे आपके स्किन पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पे चुटकी भर लिए हैं फिटकरी का पाउडर और इसे हमें स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगी तो इस तरीके से सॉल्यूशन बनके तैयार होगा। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर। अब इसे फेस पे लगाना कैसे है, लगाने का तरीका क्या है, बीक में कितनी बार लगाना है और लगाते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, सारे सवालों के जवाब आगे आपको मिलेगा वीडियो में। 30 साल के ऊपर जितनी भी मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, हर कोई इसे लगा सकता है। टीनेजर बच्चे बिल्कुल भी इसे अपने फेस पे ना लगाएं। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकती हैं। पर टीनेजर बच्चे इस रेमेडी को ट्राई भी ना करें, क्योंकि आपकी स्किन को नुकसान भी कर सकता है। इसे लगाकर आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ सकती हैं, उसके बाद से इसे आपको क्लीन करना है। 10-15 मिनट के लिए छोड़िएगा जरूर। इसे लगाकर एक काम आप कर सकती हैं, थोड़ा सा फैन के नीचे बैठेंगी तो ये सूख जाएगा। वैसे गर्मी का मौसम है ना तो काफी ज्यादा पसीना होता है, तो पसीना अगर आपके फेस पे आता रहेगा और आप इसे लगाएंगे तो फिर बाल जड़ से निकलेगा नहीं। इसे आपको थोड़ा सा अपने फेस पे सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। तो क्लीन करके आप लोग को रिजल्ट दिखा दे रही हूँ कॉटन से। आप हैंगी का भी यूज कर सकती हैं। तो बालों को अपोजिट डायरेक्शन में आपको साफ करना है, तो सबसे पहले यहाँ के स्किन को आपको प्रेस करके थोड़ा सा टाइट कर लेना है। उसके फायदे क्या है कि बाल आराम से निकल जाएगा बिना दर्द के। ये देखिए, धीरे धीरे बालों के ग्रोथ को खत्म कर देगा। बाल तो जड़ से साफ होगा ही, साथ में उसका जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से स्टॉप कर देगा, क्योंकि जो भी चीज इसमें हम लिए है ना वो बालों के ग्रोथ को कम करने में मदद करता है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है और आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।